So guys, here I have this exfoliator, foot mask, TV dinner bottle. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़े कैसे जा रहे हैं आप सब लोगों के? तो सीन कुछ ऐसे हैं कि आज मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाई है, जो कि कुछ है ईद से रिलेटेड, ईद की तैयारियाँ शेयरियाँ, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो गाइस ये हमारी होम मेड वैक्स है, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल पतला पतला लगाना होता है, और ये इतनी ज़बरदस्त फिनिशिंग देती है ना, मतलब एक भी बाल था डरेगा नहीं, सारे लेट जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आपने लगा लेनी है पतली पतली बिल्कुल। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वैक्स का जो तरीका है वो चाहिए, मतलब वैक्स की रेसिपी चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को जो है बता दूंगी किस तरह से बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो यूज़ हुआ है सिरका और शुगर है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी है, और स्किन इतनी मुलायम हो जाती है, वाह। हाँ जी, तो फिर उसके बाद भी मैंने कहा चलो अब आप लोगों को नेल पॉली जेल, व्हाट आई एम सेइंग, हमेशा मेरे मुंह से पॉली जेल ही निकलता है। सो यहाँ पे मैंने कहा रही हूँ जेल नेल पॉलिश, ठीक है। अब जेल नेल पॉलिश लगाने का तरीका यह है कि आपने अपने नेल्स के जो क्यूटिकल्स होते हैं ना, उसको साइड लाइन लगा देना अच्छे से। उसके बाद पहले मैंने बेस कोट अप्लाई किया और उसे रखा यूवी लाइट में। रखने के बाद क्या, कौन सा कलर लगाने, समझ नहीं आ रहा। बोलो तुम बताओ, मेरे कहते 041 लगा ले, या पिंक भी नहीं जाना चाह रही मैट में, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना ना, यही अच्छा लगेगा, है ना। 041 पे चले जाते हैं। ओके गाइस, हम ये वाला कलर चूज़ करते हैं। 041 किधर ये रहा 041। उसके बाद मैंने ये वाला कलर अप्लाई किया जो कि बहुत ही प्यारा था, और जब आप बेस कोट लगाते हो तो आपके नेल्स ऑलरेडी इतने शाइन कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर ये जेल नेल पॉलिश आराम से लग जाती है, और बड़े ही मज़े की। और उसके बाद मैंने पाँव के ऊपर भी लगा लिया और यूवी लाइट के अंदर रख दिए। ये 30 से 60 सेकेंड के अंदर आपके जो है नेल्स वो हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने ये अल्कोहल वाइप्स ली। अच्छा, ये सीन ये है कि ना, जब आप बेस कोट लगाते हैं ना, वो थोड़ा हल्का सा ना स्टिकी हो जाता है, तो आपने हमेशा बेस कोट लगाने के बाद अल्कोहल वाइप के साथ अपने नेल्स को इस तरह से वाइप कर लेना है, और उसके बाद उसके ऊपर लगानी है अपनी नेल पॉलिश। और यहाँ पर मैंने नेल पॉलिश लगा ली और यूवी लाइट के अंदर रखा 60 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद ये मेरे नेल्स जो हैं ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गए हैं। यही फ़र्क, मतलब फ़र्क है जेल नेल पेंट का। और अभी मैं इसके ऊपर टॉप कोट नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, हमने और भी बहुत कुछ बनाना है, तो बस मैं इसको यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है फुट मास्क एंड फेस शीट मास्क। सो लेट्स गो। तो गाइस, हेयर आई हैव एक्सफोलिएट द फुट मास्क, जो कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया है, और ना ही मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी है, मुझे नहीं मिली। अगर आप लोगों को मिले तो मुझे ज़रा सेंड करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसको सही तरीके से यूज़ कर पाती हूँ या नहीं। इसके बैक साइड पर अगर देखा जाए तो इस तरह से कुछ करके चाइनीज़ लिखी हुई है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। सिर्फ मैंने ये देख के मैंने पहचाना है कि ये एक पाँव पर कुछ लगाने वाला जो है ना वो सीन है। तो इसको अब हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। इसके अंदर से कुछ ये निकला है। अच्छा, तो ये कुछ यूं करके इसके अंदर पाँव बने हुए हैं, ये यूं कर गया, इन दरमियान चुपन है ना। Such a stupid mask. So, I think so. ये कहाँ से ओपन होगा रहा? कुछ ऐसे हैं कि मुझे इसकी ज़रा समझ नहीं आ रही है, और इन खोलना किधर है, कैसे खोलेंगे इसको, ओपन लिखा हुआ है। सो मेरे ख्याल से तो यहाँ से ये बीच में से काटेगा, सो मैं इसको काटने लगी हूँ। ये हमने काट लिया, अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे। आई थिंक सो, ये तो यहाँ से नहीं ओपन होगा। भाई खोल जा। हाँ भाई, बिल्कुल समझ आता है। वैसे मैं आप लोगों को अपने पहले पाँव की कंडीशन दिखा देती हूँ। ये मेरे पाँव है नीचे से, ठीक है, आप लोग देखिए, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ और इसको लगाती हूँ, जो अच्छे से मेरा रिकॉर्ड शिकॉर्ड लगा था। सो दिस इज हर फेट नाउ बिफोर आफ्टर, बहुत जल्द आप लोगों को दिखा देंगे हम। इस तरह से करके लिक्विड सा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अपना पाँव रखती हूँ, ऐसे करके मैंने डाल दिया, और इसको यहाँ से ओपन करना है आपने, और यहाँ पे इसको बंद कर दें, ठीक है।
अब हम इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आपने तकरीबन 30 to 45 minutes लिखा हुआ है, बट मैं इसको सिर्फ 30 मिनट्स रखूँगी क्योंकि मेरे पाँव जो हैं वो सेंसिटिव हैं, इतनी मेरी कोई ख़राब स्किन नहीं है। सो इसको जस्ट मैं 30 मिनट्स लगा के रखूँगी और उसके बाद जब रिमूव करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी क्या मैजिक हुआ है। चलें फिर अब वेट करते हैं, नहीं बल्कि वेट नहीं। सो हियर वी हैव एन अदर फेस मास्क जो कि है हमारे पास ऑरेंज फेशियल मास्क। तो अब हम इसको भी लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा मुंह भी अच्छा अच्छा हो जाए। ईद आ रही है तो मैंने इसको ओपन कर लिया है, इसके अंदर से देखते हैं क्या निकल। ये मास्क निकला है पीछे से। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, सामने मेरा मिरर है सो मैं सामने देख कर अप्लाई करूँगी। सो गाइज अगर 2 मिनट मैं बताती हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए, सिर्फ 2 मिनट रुकिए। सो यहाँ पे यूँ करके हम इसको अप्लाई करेंगे, उसको हम उतार देंगे और उसको हम उतार देंगे अच्छी तरीके से, मेजर की तरह है ये। और गाइज अब इसको मैं रखूँगी तकरीबन 15 मिनट, ठीक है, तब तक हो जाएगी अफ्तारी, साथ ही मैं करूँगी अफ्तारी और इसको लगा रहने देंगे अपने फेस के ऊपर। फेस के ऊपर से मैं उतार लूँगी, पाँव पे लगा रहने दूँगी और उसके बाद देखते हैं फिर क्या बनता है पाँव का। सो गाइज मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं ये वाला ऑरेंज मास्क लगाए हुए, जो कि मुझे आया था AB कॉस्मेटिक्स की तरफ से, और अभी हम इसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने देखेंगे कि क्या सीन है। और लेकिन मुझे लगाने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ है, मतलब मॉइस्चराइजिंग मुझे स्किन लग रही है क्योंकि मैंने हाथों पे भी लगाया था। और अब हम इसको उतारते हैं, इनू सेट नहीं है, दिल नहीं कर रहा, इनू इदा कर दे ठीक है। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारा, ये देखना ये आया, ये देखिए कितना सारा है। ओह माय गॉड, ये अपने कपड़ों पे गिर गया। तो इसको ज़ाया करने से बेहतर है आप अपनी गर्दन पे लगा लें, पीछे बैक पे रगड़ें, क्योंकि हमारी जो पीछे गर्दन होती है ना वो थोड़ी काली होती है तो उसको रगड़ें उनको। उसके साथ अब जो बाकी बच गया है ना, आपने इस हीट के अंदर भी बहुत सारा होता है, आपने इसके अंदर से भी ये देखना, ये देखिए कितना सारा होता है, ठीक है, ये आपने निकाल लेना सारा। फिर आपने क्या करना है, उसको ऐसे से करके अपने फेस के ऊपर करनी है मसाज। ओए होए 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 होए, मतलब इतने मजे चस आ रही है मुझे, इतना मुलायम, इतनी सॉफ्ट हुई है मेरी स्किन और ठंडी, मतलब लव इट यार, मज़ा आ गया, चस आ गई है। तो मैं ये अपनी ईद की तैयारियाँ शैरियाँ कर रही हूँ, ठीक है, अपने हाथों को मत भूलें, पाँव पे आप लोगों को पता है मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ मास्क, तो उसको अभी टाइम है, उसमें हम पहले अफ्तारी करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने पाँव को खोलेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे हमारे पाँव कैसे हो गए हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, जाके अफ्तारी आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या बना है और अफ्तारी करती हूँ। तो ये नियासिनमाइड एंड गोल्ड मिल्क एसेंस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और इसको अब हम ओपन करते हैं, लेट्स सी इसके अंदर क्या सीन है। टांग पे शायद देखे और आप इसके फूट्स पे यानी के पाँव पे शायद देखे, चलो भी होगा। सो मेरे ख्याल से अभी इसको मसाज करना है, ठीक है, शैम्पू बन रहा है शैम्पू मैंने लगता शैम्पू पा के देता उन्होंने सुनो तो इसके बाद आपने हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है और उसके बाद इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव ऑलरेडी कर दिया है, मतलब धोना है, ठीक है, दूसरे को तो वॉश करना, तो नहीं कहते यस वॉश करना है, सेकंड अब रिमूव करते हैं।
गाइस मैं दूसरे दिन जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पे शश के बचकर साइड पे करते हैं और ओरिजिनल रिव्यू की तरफ आते हैं। तो मतलब ठीक है, अच्छा है, लेकिन मेरे जो है ना एड़ियाँ जो कि जो है ना बड़ा दर्द कर रही हैं, बट ऊपर वाली स्किन बिल्कुल ठीक है और वो शाइन भी कर रही है, सॉफ्ट भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका मुझे जो साइड इफ़ेक्ट, आई डोंट नो साइड इफ़ेक्ट है क्या है, बट होनेस्ट रिव्यू यही है कि मेरी जो एड़ियाँ ना वो दर्द कर रही हैं इसको लगाने के बाद। बाकी गाइस हो सकता है मेरे पाँव के साथ कोई मसला हो, मेरी मम्मी ने भी यही मास्क लगाया लेकिन उनके पाँव को कोई मसला नहीं है, उनकी तरफ से 100% रिकमेंडेड। आज की वीडियो में हमने ये वाले दो मास्क यूज़ किए हैं और आप लोगों के सामने मैंने हर चीज़ को मतलब लगाया भी और उतारा भी, और अब भी आप लोगों के सामने ही है जो भी है, ये मेरे पाँव और ये मेरा मुंह है। सो गाइस सीन कुछ ऐसे हैं कि अगर आपको ये वाले मास्क चाहिए या कोई भी मास्क चाहिए तो मैं यहाँ पे एक इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप वो जाके उनका पेज विजिट करें, उनको बहुत सारे मास्क हैं। और मज़े की बात यह है कि इनके प्राइसेस इतने हाई नहीं हैं और ये कोई पील ऑफ वाला मास्क नहीं है, ये सिर्फ आपके पाँव को नीट करता है, मॉइस्चराइज करता है, हेल्दी करता है, ग्लोई करता है, ठीक है। उसके अलावा ये नहीं कि आपका जो मास्क है वो पील ऑफ करना शुरू कर देगा, मतलब आपके जो फूड का मास्क है इस तरह से कोई सीन नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। जो मैं डर रही थी लगाते हुए कि शायद मेरा जो है ना पील ऑफ होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। सो अगर रेट की बात की जाए तो मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितने का है, और आप लोग इनके पेज पे जाएं, जाके इनके रेट्स देखें, आपको बहुत ही मुनासिब रेट्स में मिलेंगे, बिल्कुल ही मतलब बंदा कहता है ना एक अच्छा एक मतलब उन्होंने पैकेज रखा हुआ है। और मेरा अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% मिलेगा डिस्काउंट, और अगली नेक्स्ट 2K की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी आपको 15% या 10% डिस्काउंट मिल सकता है। तो गाइस देर किस बात की, आप लोग इस पेज पे जाएं, मैं जो कि मैं मेंशन कर रही हूँ, विजिट करें और अपना, और ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे शीट मास्क मिलेंगे आपको, कॉस्मेटिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जिनका रिव्यू मैं अगली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कॉमेंट करें, और मुझे नील्स से रिलेटेड आइडियाज़ इंस्टाग्राम पर सेंड करें ताकि मैं उनको क्रिएट करूं। और अब मैं अपनी नेल पेंट को करूंगी रिमूव और उसके बाद पढ़ूंगी नमाज, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और मैं बहुत मतलब इसी वजह से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी कि यार नेल पेंट लगाऊंगी, मतलब मुझे अच्छा लगता है, एक अपनी अपनी एक बंदे की साइकिल होती है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। सो मैंने आज कर लिया, खैर क्योंकि ईद से पहले मुझे रिकॉर्ड करना था। सो आप लोग भी अपनी ईद पे मतलब अच्छा अच्छा दिखने के लिए उस पेज पे जाएं, चीज़ें देखें, शॉपिंग करें और इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, कैमरामैन के बाद उठा गई है, बाय। गाइस यहाँ पे मेरे पास है आप बोलो रिमूव, ये जो हमने जेल नेल पेंट लगाई है उसको रिमूव करने वाला। तो स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 ये है, तो अब हम करके देखते हैं कि ऐसा कोई सेम पार्ट होता भी है या नहीं, मतलब ये काम करता है या नहीं करता। मैंने इसको खोल के पहले ही रखा हुआ है, तो अब हम अपनी उंगली को है अंदर डालेंगे, ठीक है। उंगली को अंदर डालने के बाद हम ऊपर से यहाँ से इसको जो करके बंद करते हैं। उसकी शलवार ना लो, मारेगी, हाफ लो बस। चले देखते हैं ये करता भी है या नहीं। ये मैंने लगा दिया ऐसे ही, मैंने सारी उंगलियों पर लगा लेना है, फिर रिमूव हो जाएगा।